एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के सोशियोलॉजी का चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी के नोट्स और MCQ बन के तैयार हो चुके हैं और YouTube पे आ भी चुके हैं। यदि आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर का नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों से। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि विविधता क्या होता है। विविधता, जैसा कि कीवर्ड ही हमारे चैप्टर में, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। विविधता शब्द जो है वो असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है, असमानता पे नहीं बल्कि अंतर पर बल देता है। एक दूसरे के बीच में कितना अंतर है, इन सभी चीजों के बीच में ये जोड़ देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, राष्ट्र का मतलब क्या है, देश है, तो वो हमारा तात्पर्य उस समय क्या होता है जब हम ये कहते हैं कि हमारा भारत जो है बहुत ही महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ कई प्रकार के, अर्थात अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं, मतलब कि रहते हैं। हमारे भारत में तो आपको पता है अलग अलग जाति, धर्म, रंग, भेद के लोग एक साथ मिलके रहते हैं। इसी कारण से भारत को क्या कहा जाता है, एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला देश। विविधता मतलब अलग अलग जगहों, अलग अलग चीजों वाला, जब चीज एक जगह पे आके रहे तो उसे विविधता वाला जगह या राष्ट्र आप कह सकते हैं। तो भारत भी हमारा क्या है, महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है। भारत में सांस्कृतिक विविधता के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारी संस्कृति है या फिर सांस्कृतिक कल्चर आप कह सकते हैं, इसके अंदर किस प्रकार से अंतर आपको देखने को मिलता है। तो भारत में विभिन्न प्रदेशों में, मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे क्या है, भाषा अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग तरीके से लोग का रहन सहन है, खान पान भी अलग है। हमारे भारत की बात कर लीजिए ना, हम बिहार का रहने वाले हैं, तो बिहार में क्या है, हमारा प्रमुख भोजन लिट्टी चोखा है। हालांकि ये थोड़ी ना कि हम प्रतिदिन लिट्टी चोखा ही खाते हैं, लेकिन हमारा मुख्य खाना क्या है, अगर हम किसी चीज़ के खाने के नाम से अगर जाने जाते हैं तो किस चीज़ के नाम से जाने जाते हैं, तो लिट्टी और चोखा के नाम से जानते हैं। लेकिन वही अगर हम तमिलनाडु चले जाएँ तो वहाँ पर आपको इडली, डोसा, सांभर ये सब मिलेगा। और ऐसे ही आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे खान पान बिल्कुल अलग अलग है, वेशभूषा भी अलग है। हम अपने बिहार में क्या पहनते हैं, वो कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, साउथ की अगर बात कर ले तो वहाँ पे लुंगी व्हाइट वाला और शर्ट पहनते हैं। तो वेशभूषा में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा, प्रथा भी अलग है, परंपरा भी अलग है, लोकगीत भी अलग है, लोक गाथा भी अलग है, विवाह की जो प्रणाली है, शादी करने की जो प्रणाली है वो भी अलग अलग है। जीवन संस्कार, कला, संगीत, नृत्य, ये सभी क्या है, अलग अलग है। ये सभी भेद आपको देखने को मिलेगा, अर्थात अंतर देखने को मिलेगा। इन सभी चीजों में आपको क्या मिलेगा, अंतर देखने को मिलता है। भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक विविधतापूर्ण वाला देशों में से एक माना जाता है। देखिए, भारत एक मात्र ऐसा देश है जो पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा विविधता वाला देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत की बात कर लें तो ये विश्व भर में इसका कितना स्थान है, दूसरा स्थान है। और अगर पहला स्थान आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे बताएंगे जो चीन है, उसकी जनसंख्या भारत से ज्यादा है। यहाँ हम भारत की बात कर लेते हैं, 1 अरब से ज्यादा लोग कुल मिलाकर 1632 भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियां बोलते हैं। देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोग हमारे भारत में निवास करते हैं और 1632 से अलग अधिक भाषा हम यहाँ पे बोलते हैं, और 18 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान भी दिया गया है। यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने 18 भाषाएं क्यों बताई, तो देखिए 4 भाषा अभी नई नई सूची में जुड़ी है, तो अगर आपसे अभी करेंट समय के अनुसूची में जुड़े भाषाओं की अगर गणना करने के लिए बोले तो आप 22 बताएंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, लेकिन पहले 18 था। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 80% से अधिक आबादी हिंदुओं की है,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम भारत देश की बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, 80% आबादी किसकी है, हिंदुओं की है, लगभग 13.4% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन ये आंकड़े मुझे बहुत पुराने नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ये जनसंख्या काफी बढ़ चुका है, अब मुसलमान 13.4 नहीं है, अब ये काफी ज्यादा हो गए हैं। और 2.3% जो है वो ईसाई का है, इसमें भी आपको ग्रोइंग देखने को मिलेगा, 1.9% सिख का है और 0.8% बौद्ध का है और 0.4% जैन का है। ये सारे धर्म के लोग यहाँ पे मिलके एक साथ रहते हैं। आइए हम जानते हैं कि सामुदायिक पहचान का महत्व क्या है। तो देखिए, हमारा समुदाय हमें भाषा अर्थात मातृभाषा जो हम अपने बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है, और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। भाषा के आधार पर ही हमें अपने विश्व को समझने में मदद मिलती है। ये हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। अगर हम आज भारत से बाहर कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के लोग हमें इंडियन और हिंदी बोलने वाले के नाम से जानते हैं। सामुदायिक पहचान का मतलब है जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होता है ये सामुदायिक पहचान, ना किसी उपलब्धि के आधार पर। हम यह क्या है, क्या हो सकते हैं ये नहीं बता सकते, हम अपने जन्म के आधार पर ही सामुदायिक पहचान को ग्रहण करते हैं। इस भाव को द्योतक है ना कि हम क्या बन जाएं। देखिए, यहाँ पे समझने योग्य बातें ये है कि जब भी हम सामुदायिक पहचान की बात करेंगे तो सामुदायिक पहचान हमेशा आपके जीवन और जन्म लेने के ऊपर आधारित होता है, न कि आप आगे जाके क्या बनते हैं और क्या आप उपलब्धि हासिल करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। संभवतः इस आकस्मिक शर्त सहित अथवा अलग अनिवार्य तरीके से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप से इतने गहरे जुड़े होते हैं। आपने ये गौर किया होगा, जहां भी आपका जन्म होता है वो उस मिट्टी से आपका लगाव कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। इसमें आप परिवार, तानेदारी, जाति, निजातीय, भाषा, क्षेत्र और धर्म के बढ़ते हुए परस्पर व्यापी दायरे ही हमारी दुनिया की सार्थकता को प्रदान करता है और हमें पहचान प्रदान करते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं। ये सारी चीजें हमें परिवार, नातेदारी होगा यहाँ पे, जाति, नजातीय, भाषा, क्षेत्र और धर्म ही हमें प्रदान करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किस धर्म से हैं, ये हमारा धर्म ही हमें पहचान दिलाता है। हम किस जाति से हैं, ये हमारा जाति हमें पहचान दिलाता है। हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, वो हमारा पहचान दिलाता है। राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन है, क्यों? तो देखिए, राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे अगर हम परिभाषित करने की सोचे तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, इतिहास अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी संस्कृति, ऐतिहासिक संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति के स्थानों पर आधार से की गई है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो धर्म, भाषा, इतिहास और क्षेत्रीय संस्कृति जैसे चीजों के आधार पर उन स्थानों का आधार बनाया गया है। उदाहरण के लिए, ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या समान भाषा, धर्म, नजातीय आदि नहीं है। दूसरी ओर अनेक भाषाएं, धर्म और नजातीय हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती है। हमारे भारत की बात कर ले तो यहाँ पे तो आपको अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सभी मिलकर एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, सभी अंग्रेजी भाषी लोग सभी मतलब कि बौद्ध धर्मावलंबी नहीं होते हैं। अब देखिए, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग तो अब एक जैसे नहीं होते, हिंदी बोलने वाले सभी लोग, अब हिंदी ही बोल ले लो ना, हमारा जो भारत है उसका मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आप पूरे भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या देख सकते हैं? नहीं। आप साउथ मतलब दक्षिण की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे अलग अलग भाषा है। केरल में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, कलकत्ता अर्थात पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। तो क्या ये विविधता वाला जगह है? अब आप सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्र की व्याख्या करना तो सरल है, लेकिन आप इसे अगर परिभाषित करने जाएं तो ये बहुत कठिन हो जाता है। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद को समझ लेते हैं। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है।
इसे विशेष पहचान चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन का भाव अग्नि में घी का काम करता है। जब आप क्षेत्रीय वंचन कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय विचारधाराओं में क्या करता है कि आग लगाने का काम करता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है। मतलब इस तरीके से आप ये क्षेत्रीय भावना जितने भी होते हैं उसे एक जगह जोड़ के उसको संयोजन करता है। क्षेत्रवाद किन कारणों पर आधारित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रवाद जो है वो भाषा पर आधारित होता है, जैसे कि पुराना बंबई राज्य जो था वो मराठी था, फिर गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों को बहुभाषी राज्य अर्थात मद्रास तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोगों को लिए बनाया गया था। याद होगा आपको, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि पहले क्या था कि ये तमिलनाडु में ही सारे राज्य थे, लेकिन इनके भाषा के आधार पर फिर केरल का निर्माण हुआ, फिर यहाँ पे आपको बेंगलोर अर्थात कर्नाटक का निर्माण हुआ, तमिलनाडु था ही, फिर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। तो ये सभी क्या हुआ, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए इन राज्यों का निर्माण हुआ, इसलिए ये क्षेत्रवाद के कारणों में आते हैं। क्षेत्रवाद धर्म पर आधारित होता है, ये भी आप कह सकते हैं, क्षेत्रवाद जो है वो धर्म पर आधारित होता है। क्षेत्रवाद जनजातीय पहचान पर भी आधारित था, जैसे सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजातीय पहचान पर आधारित था, यहाँ पे भाषा नहीं था, यहाँ पे जनजाति के आधार पर क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। आइए हम जान लेते हैं अल्पसंख्यक का समाज शास्त्रीय अर्थ क्या होता है। तो देखिए, वह समूह जो धर्म जाति की दृष्टि की संख्या में कम हो, जैसे सिख, मुसलमान, जैन, पारसी और बौद्ध। अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाज शास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और अधिक महत्व है इनमें आमतौर पर असुविधा या हानि के कुछ भावना निहित, अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक जैसे अत्यंत धनवान लोगों का आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें आप अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं। अल्पसंख्यकों को क्यों संवैधानिक संरक्षण देना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये भी VVI में आप इसे रख लीजिए कि अल्पसंख्यकों को, मतलब जिनकी जनसंख्या कम होती है, उन्हें संवैधानिक संरक्षण क्यों देना चाहिए। तो देखिए, बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जनसंख्या, जैसे कि हिंदुओं की जनसंख्या अगर यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे कहा जाता है कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जाता है, हालांकि वो तो है नहीं अल्पसंख्यक, उनकी जनसंख्या भी अब काफी अधिक हो गई, तो इनको सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, भले ही उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, अतः इन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक शक्ति का हथियार और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को दबाने के लिए राजतंत्र का दुरुपयोग करेगा और उन्हें उनकी पहचान छोड़ देने के लिए मजबूर कर देगा, ऐसा माना जाता है। जो बहुसंख्यक समुदाय लोग होते हैं, जैसे कि जिनकी जनसंख्या जहां पे बहुत ज्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं उन्हें अपनी पहचान अर्थात धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं या फिर उन्हें परेशान करते हैं, फिर या उन्हें राजतंत्र का दुरुपयोग करने पर मजबूर करते हैं। तो ये था अल्पसंख्यक का समाज शास्त्रीय अर्थ। अब हम जान लेते हैं कि अल्पसंख्यकों एवं सांस्कृतिक विविधता पर भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। हमारा संविधान है उसमें कौन कौन से नियम है, दो नियम है, एक तो अनुच्छेद 29 है, इसको समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 29 कहता क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र या उनके किसी भाषा के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 29 में कहा गया था। अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि यह मुसलमान है, यह हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, ऐसे जाति या धर्म के हिसाब से वो भेद नहीं कर सकता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो ये दो हमारे संविधान में अनुच्छेद तैयार किया गया था 29 और 30, जिसके हिसाब से अल्पसंख्यकों एवं सांस्कृतिक विविधता पर भारतीय संविधान ने अपना महत्वपूर्ण अनुच्छेद तैयार किया था। अब हम जान लेते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होता है। देखिए, रोजमर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद, मतलब कि धर्म के हिसाब से लड़ाइयां करना, मारपीट करना, दंगे फैलाना। अपने आप से आप ऐसी अभिव्यक्ति है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है। जैसे कि मैं हिंदू अगर हूं तो मैं यही कहूं कि हिंदू ही सबसे अच्छा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर ऐसा हो और मैं दूसरे धर्म के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता हो जाएगा। अन्य समूह को निम्न मानना, किसी दूसरे समूह को निम्न मानना अवैध तथा विरोधी समझती है। ऐसे में आप समझिए कि सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी होती है। सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। यद्यपि सांप्रदायिकता धर्म के साथ गहन रूप से जुड़ा होता है। देखिए, ये सब चीजें बहुत समझने वाली बात है कि सांप्रदायिकता क्या है। आक्रामक राजनीति विचारधारा है, लोग आक्रामक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। धर्म से तो जुड़ी होती है लेकिन इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन राजनीति से भी होता है। भारत में सांप्रदायिकता की अगर बात कर ले तो भारत में बार बार सांप्रदायिक तनाव फैलते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म और महजब के लोग रहते हैं, तो चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें लूटपाट होता है, बलात्कार होता है, लोगों की जान चली जाती है। जैसे कि 1984 में सिखों के साथ एवं 2002 में गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ। ये सांप्रदायिक हिंसा ही थी ना, 1994 में जो सिखों के साथ मारकाट हुआ। इसके अलावा भी हजारों ऐसे फसाद हुए हैं जिनमें सदैव अल्पसंख्यकों का बड़ा नुकसान हुआ है। जो अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनका यहाँ पे नुकसान आपको देखने को मिलेगा सांप्रदायिकता के कारण। भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद को समझ लेते हैं। पश्चिमी नजरिए कहने का मतलब है पश्चिम के देशों के नजरिए के अनुसार इसका अर्थ है चर्च या धर्मों को राज्य से अलग रखना, धर्म का सत्ता से अलग रखना, मतलब धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पश्चिमी देशों के लिए एक सामाजिक इतिहास की हैसियत रखता है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है, ये तो पश्चिमी वाले थे, अमेरिका ब्रिटेन वाले हैं। अब हम भारत के बारे में जान लेते हैं कि भारत क्या कहता है धर्मनिरपेक्ष के बारे में। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। ये नहीं कहता कि हमारा धर्म ही महान है, सभी धर्म बराबर है। भारतीय भाव के राज्य के सभी धर्मों का समान आदर देने के कारण दोनों के बीच तनाव से एक तरह की कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। हर फैसला धर्म को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। उदाहरण के लिए, हर धर्म के त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है। आपने भारत में ही देखा होगा कि जैसे हर धर्म पर भारत में छुट्टी होती है, इसलिए ताकि तनाव ना फैल सके, यहाँ पे लोग सांप्रदायिकता ना फैला सके। हम जानते हैं कि नागरिक समाज क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्रों से बाहर से होता है। नागरिक समाज में स्वैच्छिक संगठन होते हैं, यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र होता है। यहाँ व्यक्ति मिलकर, सारे व्यक्ति समाज के लोग मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जैसे गैर सरकारी संस्थाएं, राजनीतिक दल, मीडिया, श्रमिक संघ, इन सब का काम क्या है कि अपने नागरिकों के प्रति किसी मुद्दे पर चर्चा करके उनके जीवन में या फिर उनके समुदाय के लिए हित का कार्य करना, हितैषी बनते हैं। नागरिक समाज के द्वारा जो उठाए गए कदम या मुद्दे हैं उनको जान लेते हैं कि जनजाति की भूमि लड़ाई इन्होंने ही की थी, पर्यावरण की सुरक्षा इनका उदाहरण है, मानवाधिकार और दलितों के हक की लड़ाई, नगरीय शासन का हस्तांतरण, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान होना, बांधों का निर्माण और विकास के लिए अन्य परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास। देखिए, जो बांध वगैरह बनता है या जंगलों की कटाई होती है, इसमें जो जंगल के रहने वाले लोग होते हैं उनका घर परिवार छिन जाता है, तो उनके लिए दूसरे घर का जिम्मेदारी बनाना भी यही लोग लेते हैं।
गंदी बस्तियां हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के अभियान के खिलाफ इन्होंने खूब आंदोलन किया है। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार भी इनके अंतर्गत आता है। दलितों को भूमि का वितरण भी इन्होंने करवाया, कई सारे आंदोलन किए। राज्य को काम काज पर नजर रखने और उनसे कानून का पालन करवाना भी यही संघ अर्थात नागरिक समाज के द्वारा किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। लोगों को उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करना, आम पब्लिक नागरिक जनता यदि कोई प्रश्न पूछती है सरकार से तो उसका जवाब देना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कारण इनका फर्ज बन गया है। देखिए क्या होता है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक ऐसा नियम कानून है जिसके तहत भारतीयों को जम्मू और कश्मीर सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और इस प्राधिकरण से वह आशा की जाती है कि वह शीघ्रता से यानी कि 30 दिन के भीतर इसका उत्तर दे। यहाँ पे थोड़ा पेचीदा शब्द आपको देखने को मिला होगा, मैं इसे आसानी से समझा देता हूँ। कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस, यदि आपको लगता है कि वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं चल रहा है, टेंडर पास नहीं हो रहा है, आवास नहीं बन रहा है, तो आप उनसे उन सभी डिटेल्स को मांग सकते हो और उनका काम है कि वो 30 दिन के अंदर ही वो सारी डिटेल्स आपको बाई पोस्ट, बाई हैंड या घर पे आके प्रदान करें। तो ये उनका नियम है, ये हमारे यहाँ कानून है जिसे हम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। चैप्टर का नाम था सांस्कृतिक विविधता की चुनौती। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो जानकारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।